हाय फ्रेंड्स, एमएस पेट वन ब्लॉग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो व्यूअर्स, अभी हम आए हुए हैं अपने बर्ड सेटअप पर। ये हमने जो है अपने बाग में बना रखा है और यहाँ पे हमारे कुछ खेत हैं। तो सामने देखें, इसमें ये देखें, सामने लोबिया बोया हुआ है, ये देखें सामने से, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसमें फूल अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी इसमें से लोबिया आना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, चलिए आपको दिखाते हैं, ये हमारे बाग हैं और इधर देखेंगे तो ये हमारे आम के पेड़ हैं। और इस बार आम बहुत ही कम आया हुआ है, इस पेड़ में काफ़ी आम लगा है ऊपर से। तो व्यूअर्स, ये देखें, और जस्ट यहीं पे ये हमने करीब 10x10 का बर्ड के लिए एक रूम बना रखा है। इसमें सारे हमारे जो हैं बर्ड रखते हैं हम, कुछ ना कुछ जो हमको पसंद आते हैं तो वहाँ पर एक एक या दो पेयर करके ले लेते हैं। और ये सारे के पास जो है एग्जेक्टिव बर्ड है, मतलब जो बाहरी परिंदे हमारे अपने देश के नहीं, इंडियन कोई भी यहाँ परिंदा नहीं, सब बाहर के हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें सामने, यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो है बजरी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ये देखें। और ये देखेंगे आप व्यूअर्स, अभी आपने ये बर्ड आपको नहीं दिखाए हैं, ये देखें एक पेयर व्यूअर्स हम लेकर के आए थे, ये देखें, ये देखें। तो व्यूअर्स, ये जावा बर्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो है बर्ड होता है। ये देखने में बहुत ही प्यारा रहता है, देखें इसकी चोंच बिल्कुल लाल रहती है और आंखें काली, उनके ऊपर आंखों के ऊपर जो मेल होते हैं उनके ऊपर जो काला लाल घेर आता है, ये देखें। तो व्यूअर्स, जब हम लाए थे तो दुकानदार ने तो ये बताया था, जो शॉपकीपर था उसने बताया था कि ये पैर है, बट एक पैर नहीं है, दोनों के दोनों जो है मेल हैं। व्यूअर्स, ये देखें, और व्यूअर्स आपको दिखाते हैं एक, ये देखें आप, ये देखते हैं एक पिजियंस बैठा हुआ है, ये कबूतर। और व्यूअर्स, कबूतर के ऊपर, इस कबूतर के ऊपर देखेंगे तो आपके ध्यान से देखेंगे तो सर के ऊपर एक चोटी नज़र आ रही थी। तो मार्केट में जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस एक लड़की ने इसको पिंजरे में रखा हुआ था, तो हमको ये बहुत अच्छा लगा। एक फीमेल नहीं है तो हम इसको जो है परचेज कर लिए थे, और ये जब हम ले करके आए थे, इसके साथ प्रेग्नेंट थी और यहाँ के बुलाए, तो उसके 7 दिन बाद इसने जो है 2 अंडे दिए थे, और उन अंडों में से जो है बच्चे भी इसने निकाल दिए हैं। और इसको कभी भी केस में बंद नहीं रखा जाता है, बस ये सेटअप में वैसे खुली रहती है और दरवाज़ा भी खुला रहता है, ये आराम से बाहर जाती है और फिर वापस आकर चले जाती है। और इसके बैठने स्टाइल देखें कितनी प्यार से बैठती है, और ये सिर्फ इसी डंडी बैठती है, डंडी पर हमेशा आकर के इसी डंडी बैठेगी। और व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं इसके छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, ये देखें आपको दिखाते हैं भी, व्यूअर्स तो इसके नीचे देखेंगे आपको, ये देखें व्यूअर्स, इसमें आपको 2 बच्चे दिख जाएंगे, ये देखें। इसने इसी में अपना घोंसला बनाया हुआ था और इसने 2 अंडे दिए थे, उसमें से 2 बच्चे भी निकलाए हैं। देखते हैं व्यूअर्स, हम इसकी इसकी प्रोग्रेस आपको दिखाते रहेंगे और वीडियो में इनके कौन से कलर आएंगे। व्यूअर्स, गेस करके बताना, ये इनको हम अपने पास से रखें रखेंगे तो आप लोग इनके हमको नाम बता दीजिए कि इनके कौन से नाम रखे जाएँ। ये दोनों भाई हैं, भाई है, भाई नहीं है, मुझे नहीं पता है, बट इस बड़े हो जाएंगे तो इसके लिए, तब तक के लिए आप लोग इनको नाम हमारे कमेंट में कमेंट कर दीजिए, इनके हम नाम रख लेंगे, अपने पास ही रखेंगे इनको। व्यूअर्स, हमारे पास एक पेयर जो है लबड़ का भी है, देखें ये देखें व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, ये देखने में बहुत प्यारे होते हैं। इनकी आँखें देखें, हमको इनकी जो आँखें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, देखें इनकी आँखों पर जो घेरा होता है रिंग, ये देखें कितने प्यारा लगता है देखने में। इनके आधा जो सिर होता है वो ग्रीन है, गर्दन आपको येलो दिखेगी और सर इनका जो है ब्लैक ब्लैक, ये देखें। और सबसे जो लास्ट में बैठा हुआ मेल है वो ब्लू कलर का है, बीच वाला देखेंगे तो आपको ये हल्का धानी कलर की है, जो बीच वाली है वो फीमेल है धानी कलर की, और ये भी शायद फीमेल है। व्यूअर्स, तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।